आर्थिक रूप से बदहाल श्रीलंका अब कर्ज लेगा। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक से कर्ज लेने का फैसला किया है। इसके लिए देश में 3 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाई गई है। समिति में वित्तीय विशेषज्ञ होंगे। समिति देश को वित्तीय संकट से उबारने के सुझाव देगी। इस बीच बेतहाशा महंगाई से जूझ रहे श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल भी जारी है। विपक्ष ने राजपक्षे परिवार पर देश को लूटने का आरोप लगाया है।